शहर की बदहाल सड़कों और अनियमितता के चलते जर्जर अवस्था से आक्रोशित भाजपाइयों ने पीडब्ल्यूडी अधीक्षण अभियंता का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शहर में बन रही सड़कों और जर्जर हालत से आक्रोशित भाजपाई पदाधिकारियों ने मंगलवार को बड़ी संख्या में पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचकर अपना आक्रोश जताया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपाइयों ने हिंदी भवन के सामने एकत्र होकर पैदल मार्च निकालकर पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही इस मौके पर दुर्ग पुलिस विभाग द्वारा कार्यालय के मेन गेट पर बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की का माहौल भी देखा गया। इस धक्का मुक्की से पुलिस कर्मियों को हल्की फुल्की चोटें भी आई है। ये लोक निर्माण विभाग के एसी के अंदर में जितने भी क्षेत्र आते हैं उसमें नियम को तोड़ करके ठेका दिया जाता है। कानून कायदा नियम कुछ भी नहीं है। गृह मंत्री के परिवार के लोग, गृह मंत्री के चम्मच लोग, इन लोग ठेके बांटते हैं और जितने भी निर्माण काम हुआ है उन सब में गुणवत्ता विहीन हुआ है। ऐसे ऐसे उदाहरण है इस दुर्ग क्षेत्र में जो 5 दिन में भी उखड़ गया, फिर भी इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं द्वारा बीन बजाकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया, साथ ही नारेबाजी की कर आक्रोश जताया गया। मामला शांत कराने दुर्ग पुलिस के दुर्ग CSP वैभव वैंकर ने संबंधित अधिकारियों से प्रदर्शनकारियों की मुलाकात करा, इस विषय में ज्ञापन सौंपा। आज PWD विभाग का जो घेराव किए हैं, यहाँ PWD मंत्री दामराज साहू जी के सभी चम्मच लोग, उनके चाटू कार्ता, उनके कार्यकर्ता लोग को टेंडर मिल रहा है ना। उनके जो जितने भी कार्यकर्ता लोग जो काम कर रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार से काम कर रहे हैं। पर सड़क में गड्ढा 10 दिन में बन रहे सड़क, लेकिन पूरा पानी वानी हो जा रहा है। 10 दिन के अंदर का सब गड्ढा बह जा रहा है कि बरसात में, है ना। आए दिन दुर्घटना हो रहा है, इसके विरोध में हम लोग PWD को ज्ञापन देने आए हैं। फिर भी सुधार नहीं होता, अगला कदम क्या होगा? आगे और इससे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा। आगे भी अगर कार्य हम लोग को बात को मानेंगे नहीं प्रशासन, तो और आगे आंदोलन किया जाएगा। लाठी चार्ज हो रही है क्या? नहीं, लाठी चार्ज हो रही है, धक्का मुक्की हुई, लाठी चार्ज हुई है, चोटे भी आई है हमारे कई कार्यकर्ताओं को। PWD विभाग का घेराव इसलिए किए क्योंकि वर्षों से ये लगातार भ्रष्टाचार कर रहे थे, इनके भ्रष्टाचार का अति हो गया था। ये किसी का सुनने को तैयार नहीं थे, ये सिर्फ गृह मंत्री के ही जो कथन होता था वही कहते थे और वही करते थे। इनको जनता जवाब देने आई है कि हम जब तक बर्दाश्त किए पर अब नहीं हो पाएगा, आने वाले चुनाव में तुम्हारे गृह मंत्री का सुपड़ा साफ कर देगी जनता। ऐसे अधिकारी जो गृह मंत्री के परिवार के घर के सब्जी और नल बाथरूम में लगाने के लिए इस PWD विभाग को ज्वाइन किए हैं, ऐसे अधिकारियों को हटाने की जरूरत है। सड़कों पे हमारी छोटी छोटी बच्चियां मर रही है, हमारे लोग खतरे में है, पूरा शहर धूल युक्त हो गया। 2 महीने का रोड रहता है, उसके बाद फिर से वही हाल हो जाता है। ऐसे भ्रष्टाचार नेता और अधिकारियों का यहाँ से हटना बहुत जरूरी है। जय श्री राम। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।